जो हमारा जो अगला लक्ष्य है 2022 का विधानसभा चुनाव, उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार करती है। अभी जन जागरण अभियान के जरिए हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हमारे विधायक हैं, उन्होंने लगभग 49 जगह पे जाके ये अभियान चलाया है। और मैंने थोड़ा अलग हटकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी बरसों से चुनाव नहीं जीती, मैं उन क्षेत्रों में जा रहा हूं। टोटल हमने 22 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिसमें से 11 में मैं जा चुका हूं और लगभग 100 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की। तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है कि मेरे जाने के बाद लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुझे भी ये जानने का मौका मिल रहा है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से हम कमजोर हैं, उन कारणों को जान के हम दूर करने का प्रयास करेंगे। 12 तारीख को दिल्ली में जो है महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी एक रैली होने वाली थी, इसकी पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने भारत सरकार के निर्देश पे, संभवतः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पे हमें परमिशन देने से इनकार किया। ये लोकतंत्र की हत्या है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है, क्योंकि हमने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और डूबती हुई हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इन मुद्दों को लेकर हमने जो है प्रदर्शन करना था, हमें इजाज़त नहीं मिली। तो हमने ये तय किया है कि शिमला में हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 12 तारीख को दिल्ली के बजाय जो है जयपुर में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जयपुर दूर है, कि हिमाचल से भी हमारा जो है पार्टिसिपेशन वहाँ। सर, जिस तरह पुलिस अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंची, आप क्या मानते कानूनी उल्लंघन है? देखिए, ये तो सरकार को तय करना है कि वो किस सीमा तक गए। सरकार को ये भी तय करना है कि उनकी जो जायज मांगे वो क्यों नहीं मानी गई, और अगर नहीं मानी गई तो कौन से कारण है। और मुझे ये लगता है कि इट इज ए सेंसिटिव इशू, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्रंटेशन। इस मामले को सॉल्व करना चाहिए और कोई मिडल पाथ निकालकर जो है कर्मचारियों से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। थैंक यू सर।